तो बस उस दिन था सेमेस्टर टू का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज और हम लोग पहुंच गए थे कॉलेज एंड क्लास करने के बाद आ गए थे लेक गार्डन्स में भीगते हुए। उसके बाद खाए मोमो एंड अचानक से प्लान बना और हम लोग सब चल गए नॉर्थ कोलकाता, जाके उधर का एस्थेटिक घाट में जा गए जहाँ था चंपातला शोभा बाजार घाट। एंड उधर जाके हम लोग सनसेट का मज़ा लिए, पूरा भीगते हुए पहुँचे एंड उधर चाय पिए, साथ में कपल्स को रोमांस करते हुए देख के बोले हाय भगवान, हम लोगों का तो है नहीं। एंड फाइनल घर आ गए। तो सारा देखने के लिए व्लॉग में बने रहो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो टुडे इज आवर सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश और एक्साइटेड हूँ। पर गाइज, मतलब ये सेमेस्टर मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स तक होता है, पर हमारा जो सेमेस्टर वन चला ना, वो पूरा 9 से 10 महीना तक चला। मतलब कुछ रीज़न की वजह से सीयू ने लेट से एग्ज़ाम लिया, हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सारा था, तो दिक्कत की थोड़ी बात तो थी। एंड फाइनली 10 महीने के बाद हम लोग जाके सेम, मतलब 9 से 10 महीना, पूरा प्रॉपर 10 महीना नहीं है, तो पूरा हम लोग जा रहे हैं सेम टू में। और ये वाला मतलब अगस्त के अंदर ही एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अगस्त में हम लोग कॉलेज में आए थे, तो देखते देखते 1 साल होने ही वाला है, जस्ट फ्यू मंथ्स बाकी है। तो इस ये वाला सेम बहुत हड़बड़ी में जाने वाला है, क्योंकि जो जूनियर है ना, वो लोग सब आने वाले हैं जो लोग इस बार HS दिए है। तो ऐसे तो अभी समर का छुट्टी चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, पर हमारे कॉलेज में तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सारे कॉलेज में ही थोड़ा थोड़ा करके किसी का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, किसी का ऑफलाइन क्लास हो रहा है। तो हम लोगों का ऐसा होगा कि एक दिन ऑनलाइन होगा, एक दिन ऑफलाइन होगा। तो कल फर्स्ट डे है और कल है हमारा ऑनलाइन, नहीं सर सॉरी ऑफलाइन क्लास है कल। तो कल IR मैम का क्लास है और इनकी मैम का क्लास है, तो वो दोनों क्लास करेंगे, फिर प्लानिंग करते कहीं पे जाएगी नहीं, या फिर तो नहीं घर आ जाएंगे, तो यही सारी बात है। तो कल देखते हैं क्या होगा। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करके रख दिए अभी, क्योंकि सुबह इतना हड़बड़ी होता है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। तब मतलब अब मौका नहीं मिलता है कि रेडी हो, क्योंकि मम्मी खाना बनाती है, पापा भी घर काम से आ जाते हैं, भाई भी आ जाता है, तो फिर थोड़ा छोटा घर है, थोड़ा दिक्कत होता है, उतना क्लिपिंग्स नहीं ले पाते, हड़बड़ी में रेडी होते हैं, निकल जाते हैं, फिर जाके याद रहता है अरे यार हम तो क्लिपिंग्स नहीं लिए। तो फिर चलो यही सारा बात है, तो वीडियो को करके रखते हैं स्टार्ट एंड कल सुबह मिलते हैं। तो देख सकते हो एकदम सुबह उठ गए हैं एंड मेरा भाई आके सुबह ही सोया है, और इतना तो धूप आज उठा है ना गाइस, क्या ही बताए। तो इसीलिए मेरा नींद एकदम फटाक से उठ गया, देख सकते हो पूरा घर रोशनी से भर चुका है। तो जल्दी से मैं नहा के रेडी होके, इधर मैं थोड़ा ओट्स खा ली थी, पर इतना मैं नहीं खाई थी, लेट हो गया था, बस 4 चम्मच खा के एकदम निकल गई थी। तो बस वाले भैया इतना गंदा तरीके से बस चलाए थे, और मुझे खड़े मतलब बैठने का भी जगह नहीं मिला था, इसलिए कोई क्लिपिंग्स नहीं है। और फाइनली कॉलेज आ गए थे, तो IR मैम का क्लास चल रहा था, उसके बाद इनके मैम क्लास लेने वाली थी, फिर उधर क्लास लिए, बहुत किए, बहुत सारा नोट्स था वो सब लिए। उसके बाद ना गाइस देख सकते हो पूरा बाहर में बारिश हुआ था जब हम लोग क्लास कर रहे थे, क्योंकि AC चल रहा था और रूम बंद था ना, उधर पता नहीं चला। फिर ना दोस्त लोग बोलने लगे, इधर अंकल्स मोमो नाम का एक स्टोर है तो गोल पार्क में, बहुत टेस्टी मोमोज बनाते, तो फिर चलो चलते हैं। तो हम बोले कि ठीक है चलो चलते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे आके हम लोग सब फ्राइड मोमो ऑर्डर किए थे, और मैं लाइफ में सेकेंड टाइम फ्राइड मोमो खा रही थी, पर जब मैं फर्स्ट टाइम खाई थी वो बहुत टेस्टी था, और ये वाला उतना भी मुझे खास नहीं लगा, 50 रुपीज़ में 5 गो था, ओवरऑल ठीक ठाक ही था मोमो। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किए, खाए, बहुत अच्छा लगा। एंड वेदर इतना प्यारा हो रखा था ना, तो इसीलिए हम लोग चोले, हम सोचे कि हमारा ऑल टाइम का साथी लेक गार्डन से, तो फिर चलो उधर ही चलते हैं। तो मोमो खाते ही हम लोग फटाक से आ गए थे इधर, और इतना प्यारा लग रहा था ना वेदर आज, मैं क्या ही बताया। एकदम लेक का जो पानी था देखो, पूरे एकदम शांत था, एंड इतना प्यारा वाइब्स हो रखा था, उतना भीड़ भी नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम तीनों मिलके इधर आ गए थे, अनिता, शोमिली एंड हम, एंड फिर ना देखिए कि थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, तो उधर थोड़ा शेल्टर ढूंढ रहे थे कहाँ जा रही वाला जो पेड़ है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो फाइनली उस पेड़ के तले ही एक बैठने का जगह था, उधर हम लोग सब बैठ गए थे, और बारिश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था हम सभी को, क्योंकि उतना जोर से नहीं हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, तो इसलिए हम लोग सब बैठे बैठे बात किए, एंड बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मौके में ना लेक में आने का मज़ा ही अलग है। उसके बाद थोड़ा बहुत धूप निकला, इधर ना कोई कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो लोग गिटार बजा रहे थे, और मुझे गिटार बहुत पसंद है, तो यही सुनते सुनते फाइनली फ़ोन किया संचिता, बोली कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, और हम भी कुछ ना सोचे निकल दी।
कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन का ज़रूरी था। तो फाइनली बस पूरा खाली था, बस पकड़ के हम लोग आ गए थे ज्योतिदास मेट्रो स्टेशन। और मेरे साथ थी इधर सुंचिता, ये एक फ्रेंड जो हमारे पड़ोस के कॉलेज में पढ़ती है। तो इधर से देख लिए कितना टिकट है, कहाँ पे हम लोग को जाना है। तो शोभा बता सुतानूटी वाला ट्रेन था। और फाइनली ना इधर हम लोग उनके लिए वेट कर रहे थे, जो संचिता और उसकी और एक दोस्त प्रीति, वो लोग थोड़ा दूर से आने वाले थे। तो वो लोग जिस मेट्रो पर चढ़ेंगे उसमें हम लोग आएंगे। तो ऐसे ही हम लोग चढ़ गए एंड फाइनली हम लोग सुतानूटी स्टेशन पहुंच गए थे। तो 15 रुपीज़ करके टिकट था मेट्रो का। एंड फाइनली इधर आके ही हमको याद आ रहा था, जब दुर्गा पूजा टाइम हम पंचमी के टाइम आए थे इधर, तो वही वाला रास्ता। तो हम लोग घाट पे तो नहीं गए थे, घाट के साइड से निकले थे पर दूसरे रास्ते से। और ये वाला जो दुकान है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का ये एक मतलब फार्मेसी स्टोर है, तो वो देखते देखते नॉर्थ कोलकाता का वाइब्स इंजॉय करते करते बारिश के मौसम में हम लोग जा रहे थे। और ये वाला घर देख के ना हम लोग को जो जोड़ासा का ठाकुर बाड़ी है, रविंद्रनाथ टैगोर का रूम है, तो उनका याद आ रहा था। फिर थोड़ा चल के हम लोग आगे इधर शोभा बाजार स्टेशन साइट एंड देख सकते हो पूरा गर्मी एंड पसीना साथ में बारिश, पूरा तीन तो कैसा कॉम्बिनेशन था। और हम लोग आ गए थे फाइनली गंगा के घाटी, पर इधर कहाँ बैठेंगे समझ में नहीं आ रहा था। तो इधर थोड़ा खड़े थे एंड बारिश गिर रहा था, थोड़ा रुक गए थे इधर ही एंड छतरी के अंदर से थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स ली। और हमारी एक दोस्त भीगते भीगते नीचे चल गई, देख सकते हो पागलपंती कर रही थी। तो फिर चलो उसको थोड़ा पानी छिड़कना था, तो वो खुद भी छिड़की, हम लोगों के लिए भी लेके आई गंगा का पानी। एंड इधर थोड़ा हम लोग खड़े थे, फिर इधर ना जैसे हम लोग पूछे एक दादी थी कि हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे, वो वाला घाट का नाम बोले कि शोभा बाजार चंपतला घाट। तो वो बोल दी कि थोड़ा सीधा जाके उधर है। तो हम लोग चल गए, थोड़ा उधर कुछ फोटोज़ वगैरह लिए। हम लोग देख सकते हो सब लोग छतरी के अंदर भीग के पूरा हालत ख़राब हो गया था। फाइनली इस घाट पर आ गए थे, सामने ही एक शिव जी का मंदिर था एंड इधर घाट था, मुझे बहुत प्यारा लगा। पर इतना बारिश गिर रहा था, फिर भी कुछ लोग तो थे, पर इतना बारिश गिर रहा था कि कहाँ खड़े रहेंगे। बारिश हो रहा है, ऊपर से सूरज भी निकला हुआ था, तो बहुत प्यारा एक मोमेंट तो क्रिएट हुआ था। पर क्या ही कर सकते, तो हम लोग ना इधर क्या किए पता है, तो थोड़ा बहुत वेट कर रहे थे, थोड़ा खड़े थे। और उसके बाद बारिश थोड़ा बहुत रुका एंड हम नीचे आए, फिर भी थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा था, देख सकते हो जैसे आप लोग। तो इधर इन लोग फोटो लेना स्टार्ट कर दिए थे, तो हम थोड़ा इधर बैठ तो नहीं पा रहे थे गाइस, तो खड़े थे। एंड इधर आके ना मुझे ऊ वाला साइड देख के बेनारस का घाट का याद आ रहा था कि मतलब वो ऐसा ही दिखता है टीवी में, हम देखे हम तो कभी गए नहीं है। और इधर हमारी जो फ्रेंड है ना, उसको हम लोग कूली बना दिए, सारा बैग उसको थमा देते क्योंकि हम लोग फोटोज ले रहे थे लड़कियां। इधर बच्चा लोग नहा रहा था एंड देख सकते हो मतलब जो ज्वार है ना पानी का, वो भी थोड़ा लेंथ जो है पानी का वो थोड़ा ऊपर आ गया था क्योंकि टाइड आ गया था मोस्ट प्रोबेबली। और उधर से मतलब एक लॉन्च जा रहा था, सब लोग नहा रहे थे, इतना प्यारा वाइब्स हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जब आ ही गए थे तो सोचे थे आज सनसेट देख के जाएंगे, और वही काम किए। तो फाइनली वो टाइम आया जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, सनसेट होने वाला था और इतना प्यारा लग रहा था सन की क्या ही बताए। इसीलिए सोच रहे थे कि हनुमान जी क्यों इसको खा लिए थे, पूरा एकदम मैंगो जैसा ही लग रहा था। फाइनली देखिए कुछ लोग शूट पे आए हुए थे, हम लोग भी देखे कि चलो आज देख के गए, दूसरे दिन आएंगे। तब सूरज पूरा ढल गया था एंड देखो कितना भीड़ हो गया ना, सब लोग बैठे थे। तो हमको इधर देख के लग रहा था गाइस यार हम लोगों का बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हम लोग नहीं आएंगे क्या, ज़रूर आएंगे। तो फिर उधर से थोड़ा निकले ऐसे ही पागलपंती करते करते, इधर हम लोग घूघनी खाए। और इधर से ना एक लॉन्च भी जाता है जो मिलेनियम पार्क से छोड़ता है, तो सब लोग बोल रहे थे कि एक दिन उस पर भी चढ़ेंगे, जाके गंगा का पूरा सैर करेंगे। उसके बाद फिर इधर से हम लोग पिए चाय, क्योंकि चाय पीना तो मैंडेटरी था ही गाइस। तो उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए। जाते जाते राधा श्याम का एक मंदिर दिखा, तो इधर प्रणाम वगैरह किए करके घर तरफ जा रहे थे। पूरा सूख गए थे, भीग तो गए थे पर धूप निकला तो पूरा सूख गए थे, बारिश तो थोड़ा बहुत हुआ था। एंड इधर देख पा रहे हो गेट नंबर 2 से हम लोग फिर से मेट्रो तरफ गए। तो आज का दिन एकदम प्लान ना करके गए थे हम लोग, रास्ता भी नहीं पता था सभी को, फिर भी गूगल का हेल्प लेके हम लोग ऐसे चल गए। एकदम बहुत अच्छा वाला एक मेमोरी क्रिएट किए जो बहुत अच्छा लगा। तो फिर चलो टिकट ले लिए थे, वो लोगों को दूर जाना था पर मेरा सामने ही था, पर मेट्रो में बहुत भीड़ था तो क्लिपिंग्स नहीं लिए। फाइनली हम उतर गए थे हमारे ज्योतिदास पार्क मेट्रो स्टेशन में, और ये जो चढ़ाई होता है बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही था। तो फिर गाइस घर आने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। तो आज का वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। तो आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ था सेकेंड सेम का, एंड सुबह इतना हड़बड़ी में मैं थी कि मैं क्या ही क्लिपिंग्स लेती। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई, कॉलेज गई, क्लास की, फिर बारिश में भीगी आज, फिर धूप ने आके सुखा दिया। तो आज का जो मेमोरी था किसी को नहीं पता घाट कहाँ है,
पर गंगा के घर किनारे जाना है, तो फिर चलो कैसे भी हो चल जाएंगे, गूगल जब है चिंता किस बात का है। तो ऐसे ही करके हम सारे दोस्त लोग एकदम अचानक प्लान बना के निकल गए एंड घूमे, बहुत अच्छा लगा। तो बारिश हम लोगों को गंगा के घाटी में इंजॉय करना नहीं बंद कर सका, हम लोग वेट किए एंड एंड तक पूरा सनसेट देख के आए। सनराइज हम जाके देखे थे पूरी में एंड सनसेट हम हमारे कोलकाता में देखे। तो गंगा के किनारे देख के देखने का एक मज़ा ही अलग है ना। तो फिर ये वाला बात हुआ एंड बहुत सारे दोस्त लोग मिलके मजा किए, उनमें से दो दोस्त तो मेरे एकदम रिसेंट न्यू बने हैं, संचिता की दोस्त बनते लगते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत इन्जॉय किए। तो आज का दिन सच्ची में ज़्यादा लेंदी वीडियो तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था मेरे लिए। तो सेकंड सेम का फर्स्ट डे था और यार 3 महीना तक पूरा एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली तो रिलैक्सेशन का ज़रूरी था। तो ये वाला जो मतलब घूमने जाना था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत 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 ज़्यादा। तो फाइनली वो हुआ एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ा टेंशन फ्री लग रहा है। तो फिर चलो गाइस आज के लिए इतना ही, रहा बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। चलो टाटा बाय बाय आज के लिए।